Hey guys, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे हो कि मेरा नाम अडल है, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो तुम्हें के बच्चे हैं अच्छे हैं और मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ, मतलब सबसे पहले नहीं, नीचे भाभी उठ चुकी हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और मैं अपनी फ्रेंड से पहले उठ चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं पढ़ाई कर रही थी। एक्चुअली थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा क्योंकि हमने रात में दो पंखे जला रखे थे और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है मुझे सारी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ्रेंड, ये देखो ये सो रही है। हमने चला रखा था ये वाला पंखा और ये वाला पंखा, यार कैसे सामान बिगड़ा पड़ा है उसको मत देखना, ठीक है। तो ये गाइस अब हम नहा चुके हैं और अचानक से हमारा प्लान बना था सिकंदरा जाने का, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी और इतना बोला कि मैं कभी गई नहीं हूँ। ये देखो कहते चुड़ैल की तरह बाल के रखे इतने, तैयार हो रही थी और फिर अब हम दोनों जा रहे हैं साथ में सिकंदरा पार्क, वहाँ आपको दिखाएंगे अपनी बहुत सारी मस्ती। तो ये गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं सीमा दीदी के पास, जिनके पास हमने कल करी थी सारी मस्ती, तो अब उनको भी लेने आए हैं अपने साथ लेने के लिए। दीदी ने हमारे लिए आलू के पराठे बनाए थे गाइस, तो और हम लोग हो चुके लेट और दीदी का सडनली प्लान चेंज हो गया है इसलिए दीदी नहीं जा रही हैं अभी हमारे लिए। गर्म गर्म पराठे फेंकेंगी पर हम उनको फेंकने नहीं देंगे क्योंकि हम खुद ही फेंक के खाने वाले हैं। चलो दिखा रहे हैं, ये देखो हमारे पराठों की तैयारी हो रखी है, बाकी सारी तैयारी दीदी ने कर रखी है पर हमको फेंकने के लिए बाकी है और चल रहा है ये देख रही है। मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो गाइस मुझे लगी थी भूख, मैंने आलू ही खा रखा और दीदी नहीं मानी, माने वाली पराठे यार 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 नहीं मैं पराठे हम पतले पतले बना रही है, आप भी खाना मैं पतले नहीं दीदी छोटा सा। मुझे दोबारा रुपए भेज रही है, पहले दूध लेके नहीं आई और अभी दोबारा छोड़ दे यार। रख दो क्या रही है, चाबी मिल चुकी है मुझे और मैं वापस से रूम पे जा रही हूँ। हाँ दूध है ना, चल जाएगा यहाँ तक लाने में, ग्लास ग्लास में भी तो है पकड़। तो गाइस वैसे मैं आज जाने वाली थी कॉलेज क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल और एडमिट कार्ड मिलने वाला था लेकिन अचानक से वो प्लान चेंज हो गया और इस वजह से मैं किसी वजह से नहीं जा रही हूँ किसी इशू की वजह से। और इसका मेरी फ्रेंड का मन था बहुत टाइम से सिकंदरा पार्क घूमने का, वो कभी गई नहीं है इसलिए, तो मैंने सोचा इसकी सिकंदरा पार्क घुमा लेती हूँ और खुद भी घुमाऊँगी, वैसे मैं बहुत दिन बाद मिली हूँ इससे, तो इसमें मैंने सोचा मैं भी घूम लूँगी, मेरा भी ट्रैवलिंग हो जाएगी और बहुत सारी मस्ती भी हो जाएगी, तो मैंने इसको रेडी कर लिया। अचार कौन सा लेनी? अचार कोई सा भी ले आइयो, बस अदरक वाला छोड़ गए यार, अदरक वाला अचार आपको पसंद है क्या भाई? मुझे तो मतलब पहली बार सुना है मैंने और मुझे पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है, मैं कभी अदरक वाली टॉफी भी नहीं खाती हूँ अगर मुझे दुकान हो जाता है रिक्स की तो। लैपटॉप हटा उनका बेल दीदी, अभी मैं कर दूंगी आप रहने दो। हां अदरक का लीजिएगा, मना कर दिया दीदी और खा लो, मुझे लगता है अपना ले जाऊं तो बहुत मजा आएगा, अदरक का तो मैंने यार कुछ होने के बाद नहीं है ना, बस होने वाला था मैं ये तो दे दिया, मैं तो बोल रही हूं दीदी ने खा लिया तो हमारा भी लग रहा है यार खा ले वो, मैं बोल के गई थी फ्रेश हो गई थी अच्छी, मैं फ्रेश हो ना तो मेरा आगे ना शो, मैंने कहा आप तो बस खाना है। अब हम जा रहे हैं दीदी के, क्या बोलूँ मैं, घर से। हाँ दीदी, अब हम जा रहे हैं दीदी के घर से, तो अब हम निकलेंगे, इतना पंचायत कर करके लेट लग गया हम तक, ठीक है बाय दीदी, बाय 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 दीदी, शाम को मिलते हैं दीदी, शाम को मिलते हैं। हाँ आप कैसी भाग रही है, रुक जा रुक जा, चल चल चल। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर से और इसने इतनी बातें करी है दीदी से ना कि हमें लेट करा दिया, तो अब हम निकल चुके हैं, अब हम करेंगे ऑटो उसके बाद हम पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद हम आपसे मिलेंगे, ओके।
बच गए यार, लेकिन मेरे पास है, मेरे बैग में डली चाबी, आ जा। गाइस ऑटो के चक्कर में हम लोग घूम के पैदल चल रहे हैं और हमें ऑटो नहीं मिल रहा यार, इसलिए हमें थोड़ा आगे तक पैदल जाना पड़ेगा और आगे हम ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे। मतलब ये क्या कह रहा है, थोड़े गाइज इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे जाने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा जिसमें बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।